नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसिटी न्यूज। सनसिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल के द्वारा 75वां स्वतंत्रता वर्ष आजादी महोत्सव के रूप में मनाते हुए सिलीगुड़ी से पटना तक के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसके तहत पुलिस बल रविवार को देर संध्या फॉरबिसगंज पहुंचे। टीम का फॉरबिसगंज में भव्य स्वागत किया गया। इस रैली की अगुवाई सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट वकार अहमद कर रहे थे, तो वहीं जवानों के साथ साइकिल रैली में सबसे आगे असिस्टेंट कमांडेंट शैलेंद्र कुमार नजर आए। जवानों ने सर्वप्रथम बगवा गांव के जीवित स्वतंत्रता सेनानी भृगुनाथ शर्मा से आशीर्वाद लेते हुए उन्हें सम्मानित किया एवं प्रतीक चिन्ह देकर धन्यवाद दिया। उसके बाद फॉरबिसगंज स्टेशन परिसर में विभिन्न स्कूलों के बच्चों बच्चियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पाईवल स्कूल के बच्चों द्वारा उत्कृष्ट प्रस्तुति दी गई। पाईवल स्कूल के बच्चों द्वारा बिहार की माटी और बिहार की गौरव गाथा पर शानदार प्रस्तुति देते हुए सीआरपीएफ के अधिकारियों, जवानों व मौजूद लोगों को बिहार की हर वो चीज बताने की कोशिश की जिसके ऊपर बिहार के लोगों को नाज है। पाईवल स्कूल के निर्देशक कार्तिक सिंह ने कहा कि बिहार वीरों की धरती है। बिहार ने ही लोगों को गलत के खिलाफ आंदोलन करना सिखाया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर फॉरबिसगंज डीएसपी राम पुकार सिंह, थाना अध्यक्ष निर्मल कुमार यादवेंदु, रेलवे स्टेशन मास्टर मनोज झा, आरपीएफ इंस्पेक्टर, सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर प्रभाकर कुमार, सब इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार, सीआरपीएफ के कई जवान संजय कुमार, आयुष अग्रवाल, पाईवल्ड स्कूल की दीपिका अग्रवाल, राखी डागा, आदित्य सर सहित कई लोग मौजूद थे।